You can call me X. You can call me X. Okay, so hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, मेरा नाम है करण और आज के इस नए वीडियो में guys मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ guys कुछ इस टाइप की न्यू ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है. तो गाइस इसके ऊपर आज का मैं एक ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ. तो गाइस आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो आपको इसकी वीडियो में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बाकी चले वीडियो को जो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है कैपकट ऐप को ओपन कर लेना, क्योंकि पूरी एडिटिंग जो है कैपकट ऐप में हो जाएगी गाइस. ठीक है, आपको किसी और ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप लोग जो वीडियो को ध्यान से देखना. तो आपको सबसे पहले करना है गाइस, जब आप कैपकट ऐप को ओपन करोगे तो गाइस आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपको जो अपनी वीडियो को ऐड कर लेना, जो भी वीडियो को आप एडिट करने वाले हो. सो यहाँ पे मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ. एंड उसके बाद जब आप वीडियो को ऐड कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है गाइस, जब आप यहाँ पे अपनी वीडियो को ऐड करोगे तो गाइस आपको जो है एक वीडियो का लिंक मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि टेलीग्राम का. आपको टेलीग्राम से जाकर वो डाउनलोड करना है. और वो वीडियो कौन से वो मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ऐड लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है उस वीडियो को ऐड करेंगे. ठीक है, एंड इस वीडियो को ऐड करेंगे मतलब कि गाइस इसको जो है हम देख देख के एडिट करेंगे, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ पे जो जो मतलब कि ब्लर और जो जो इफेक्ट चाहिए वो हम इसके हिसाब से लगाएंगे गाइस. ठीक है, तो इसको मैं जो है साइड में रख लेता हूँ. तो आप लोग भी ऐसे इसी तरीके से कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बाकी मैं यहाँ पे तो समझा ही दूंगा आप लोगों को. ठीक है, तो अभी आप इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देना है. देन उसके बाद आप लोग करना क्या है, आपको जो इसका मतलब कि मेरी जो वीडियो है यहाँ पे गाइस ये जो छोटी है, मतलब कि इसकी जो लेंथ है ना छोटी है, तो मैं इसको स्लो में थोड़ा सा कर लूँगा तो वीडियो का क्या है कि लेंथ बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्लो में कर लेता हूँ. ठीक है, तो कर्व वाले में जाके जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस, आप ये भी देख लो गाइस. ठीक है, यहाँ से आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जब अगर कभी आपको वीडियो है जो है मतलब आपकी वीडियो की लेंथ छोटी हुई तो आप यहाँ से जो है मतलब कि उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो. ठीक है, तो मैं ये वाला रख लेता हूँ. तो यहाँ पे दो तीन और हैं, इसमें से भी आप कोई चेक कर सकते हो. ठीक है, तो बाकी यहाँ पे अभी तो मैं चेक नहीं करूँगा. तो अभी क्या करेंगे गाइस, इसको जो है हम यहाँ पे मतलब कि ये मतलब ये दोनों भी मैंने आपको दिखाई दिए. ठीक है, अब ये वाला रख लेते हैं. तो इसके बाद गाइस आपको मैं बताता हूँ गाइस कि अब आपको इसमें करना क्या है गाइस. ठीक है, तो ये जो गाइस वीडियो है इसकी लेंथ जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा नीचे वाली जो लेयर है इसको थोड़ी सी मैं कट कर लूँगा, बिकॉज गाइस यहाँ पे जो है मतलब कि पूरी एडिटिंग में नहीं आ पाएगा ये वाला सॉन्ग, है ना. बट कोई नहीं, म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा है इस वीडियो में तो उसका म्यूज़िक थोड़ा सा हम कट कर लेंगे. तो मैं इसको इतना कट कर लेता हूँ. ठीक है, आप गाइस पूरी एडिट करना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो है मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से. तो अब जो है गाइस इसको मैं स्क्रॉल करके आगे ले जाता हूँ. अब गाइस देखिए यहाँ से जो वीडियो हमारी स्टार्ट होगी. ठीक है, एंड यहाँ पे ब्लर खत्म हो रहा है गाइस. ठीक है, ब्लर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बीच में जो एक ट्रिम लगाएंगे गाइस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे जो वीडियो है मतलब यहाँ से अब जो है गाइस यहाँ पे अब गाइस इसमें जो है हमें लगाएंगे इफेक्ट. ठीक है, तो इफेक्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, हम बैक चलेंगे एंड फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपको जो यहाँ पे बेसिक करके एक ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, आपको सिंपली इसमें चले जाना है बेसिक में. वो सबसे फर्स्ट वाला जो ब्लर है ना गाइस, आपको ये वाला यूज़ करना है. अब इसकी सेटिंग्स में आपको करना है क्या गाइस, आपको साइज़ वगैरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, स्पीड वगैरह इसकी कम कर लेनी है. ठीक है, एंड बाकी की सेटिंग्स जो है आप अपने आप देख लेना है. यहाँ पे अगर आपको कुछ और चेंज करना हो तो अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ. ठीक है, बाकी जो इसकी लेंथ रखेंगे हम बस यहाँ पे वीडियो जहाँ तक हमने ट्रिम की थी वहाँ तक. अब गाइस इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ. गाइस देखिए एकदम जहर वाला ब्लर लग चुका है हमारा यहाँ पे, है ना. तो अब क्या करेंगे इसके बाद, अब गाइस देखेंगे यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है बीच में, है ना. देखिए ये वाला इफेक्ट आ रहा है. तो ये वाला इफेक्ट कैसे डालेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को ट्रिम करेंगे एंड इफेक्ट डालना है गाइस. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आप क्या करेंगे, हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इन वाले ऑप्शन में जाकर हम जो है यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे साइड में एंड साइड में जो है ये वाला इफेक्ट. ठीक है, ये वाला रखेंगे एंड उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है. अब गाइस देखिए इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं. अब ये गाइस देखिए यहाँ पे इफेक्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुका है हमारा. ठीक है, अब इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको बीच में जो ये वाला इफेक्ट दिख रहा होगा आपको जो कि ब्लू वाला, ये ग्लोइंग इफेक्ट जो लाइट में आपको आउटलाइन वाली. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मतलब कि वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लो करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ. तो यहाँ से हम इतना रख लेते हैं. ठीक है, ये हाँ 1x में रख लेता हूँ मैं. ठीक है, अभी इफेक्ट. तो इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, 1x में इफेक्ट रखने के बाद अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ चुकी है. अब यहाँ पे देखिए वीडियो हमारी स्लो में भी हो चुकी है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो वीडियो में अब देखेंगे कि हमें इफेक्ट कहाँ कहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, तो वहाँ वहाँ से हम जो वीडियो को ट्रिम कर लेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पहले हम इस पहले प्ले करके देखते हैं इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो इफेक्ट हमारा गाइस स्टार्टिंग से स्टार्ट है ब्लर के खत्म होने के बाद ही. तो यहाँ पे हम वीडियो को रखेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से हम बैक चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं है. अब यहाँ से हम बैक चलते हैं. ठीक है, तो बैक जाने के बाद वहाँ पे मिल सकता है क्या पता. तो यहाँ से बैक चलते हैं और सिंपली हम क्या करेंगे, बॉडी इफेक्ट में जाएंगे. बॉडी इफेक्ट में जाने के बाद आपको ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में जाना है. ठीक है, ये रहा ट्रेंडिंग वाला सेक्शन एंड उसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये रहा बॉडी इफेक्ट. ठीक है, ये वाला तो ये रखना है हमें, इसके ऊपर ट्रिम कर देंगे थोड़ा सा. ठीक है, अब ये जो ये इफेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट है तो हम इसको जो लेंथ बढ़ा लेंगे थोड़ी. ठीक है, एंड गाइस आपने एक चीज़ देखी होगी बीच में जो हमारी खत्म भी हो रही है ना, बीच में हमारी वीडियो में जो है इफेक्ट नहीं है. तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा प्ले करके देखते हैं. यहाँ पे इफेक्ट शुरू एंड यहाँ से इफेक्ट जा रहा है. ठीक है गाइस, अब यहाँ पे रुक रहा है इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट भी हो रही है तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी सी यहाँ से ट्रिम कर लेंगे.
यहाँ से वीडियो को हम ट्रिम कर लेंगे एंड यहाँ से जाके यहाँ तक यहाँ पे ट्रिम मतलब यहाँ पे जो इफेक्ट स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे हम इसको यहाँ से भी ट्रिम कर लेंगे। अब बीच वाली वीडियो जो है हमारी ये जो है वीडियो फास्ट हो रही है यहाँ से, है ना, तो वीडियो की जो यहाँ से फास्ट है तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे यहाँ से स्पीड में जाने के बाद हम वीडियो को फास्ट कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है अब जो है गाइस क्या करेंगे, हम इसको वीडियो को ले जाएंगे स्टार्टिंग में एंड स्टार्टिंग में ले जाके हम गाइस प्ले करके देखेंगे कि अब इफेक्ट हमारा जो है कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है गाइस। तो हमने जो इफेक्ट एकदम एंड तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस देखिए इसके बाद इफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस इफेक्ट का जो डुप्लीकेट कर लेंगे यानी कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करके इसको हम थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके इस साइड पर यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब वीडियो को हम यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे गाइस फाइनल जो है हमारा मतलब कि वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है। आगे हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथ इसकी कम पड़ गई है तो अभी क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको सेव कर लेंगे एंड बाकी आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो गाइस मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि गाइस आप लोग के लिए मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।